मैं पूरा टूट फूट गया था। टूट फूटने के बाद भाई ने मुझे क्या बोलता है सब सहारा दिया, अब मन नहीं करता वीडियो बनाने का। अरे मत रो, मैं आपके साथ हूँ, अभी टर्मिनेट हो गया। बस आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है कि आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और थोड़ा सा भाई को आगे बढ़ाने का कोशिश कीजिए। हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ आप लोगों से। टर्मिनेट होने के बाद मैंने फिर से 20 दिन तक रोया बैठ करके घर में। आज मैं आपको एक ऐसे यूट्यूबर से मिलाने वाला हूँ जिसकी जो कहानी है, अगर आप गौर से इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको रोना आ जाएगा। क्या क्या इन्होंने स्ट्रगल किया है अपने लाइफ में, किस तरह से अपने चैनल को बनाया, क्या इनको असफलता मिली है, आपको किस तरह से इनका हेल्प करना है, इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, साथ ही साथ मोटिवेशनल है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप हमें कमेंट करके बताना, आपका भी हेल्प हम जरूर करेंगे। इस भाई का प्रॉब्लम बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, अगर आप सुनेंगे तो मैं सच बता रहा हूँ कि आपके आंखों में आंसू आ जाएगा। इनकी कहानी को सुना तो मैं इमोशनल हो गया। अपने आप बताएंगे कि इनके साथ क्या क्या हुआ है, किस तरह से इनका चैनल डिलीट हुआ, किस तरह से इन्होंने स्ट्रगल किया यूट्यूब पे, क्या इनके घर की स्थिति है, अभी क्या कर रहे हैं, सब कुछ बताएंगे। तो भाई आपका बहुत बहुत वेलकम है, आपको हमारे चैनल पे आप आए। धन्यवाद दोस्तों। मेरा नाम अमन है और मैं लगभग 60 किलोमीटर दूर से भाई जी से मिलने आया ताकि भाई मेरा मदद कर सके। और मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर चुका हूँ यूट्यूब पर, यूट्यूब से मुझे अभी तक कुछ भी नहीं मिला, यहाँ तक कि सब्सक्राइबर व्यूज़ कुछ भी नहीं मिला। तो मैं आप लोगों को सारा बताता हूँ कि किस तरह से मैंने स्ट्रगल किया। तो मैं आप लोगों को कहानी सुनाना चाहता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया कि लगभग आज से 2 साल पहले मैंने एक चैनल बनाया जो जिसका नाम था मूवी इज हियर, यानी कि मैं उसमें मूवी रिव्यूज़ करता था। और मूवी रिव्यूज़ करने के बाद क्या होता था कि सारे व्यूज़ अच्छे खासे आते थे वीडियोस में, मेरे सारे वीडियोस में अच्छे खासे व्यूज़ आते थे, लगभग 1000-2000 तक व्यूज़ आते थे और अच्छे खासे सब्सक्राइबर भी हो चुके थे। तो धीरे धीरे इसी तरह से मैं बनाता गया, थोड़ा ग्रो भी हो गया था मेरा चैनल। लेकिन YouTube ने मेरे साथ क्या किया, मैंने एक वीडियो बनाया कि आप YouTube में कोई भी न्यू मूवी किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, बस यही बता रहा था कि आप लोग की जब भी कोई भी न्यू मूवी आता है तो आप लोग होता है क्या है कि आप लोग देखना चाहते हैं। मैंने यही काम किया कि उसे डाउनलोड करने के लिए बता दिया वेबसाइट से। YouTube ने क्या किया, उस चैनल को डिलीट कर दिया। तो उस चैनल को डिलीट होने के बाद मैंने काफ़ी मुझे दुख हुआ कि अब मैं क्या करूँ, यहाँ तक कि मुझे इतना गुस्सा आया YouTube के ऊपर, लेकिन कुछ नहीं कर सकता था, अपना रो लिया जितना रोना था एक कोने में बैठ करके। उसके बाद भाई के पास मैंने पहले भी कॉल किया, मैसेज किया भाई को, भाई ने बोला कि एक और चैनल बनाओ और उस पर काम करो। तो भाई ने बोला चैनल बनाने के लिए मैंने एक अमन हेल्प मी ये नाम से मैंने चैनल बनाया। अमन हेल्प मी नाम से चैनल बनाने के बाद उसके बाद क्या हुआ कि मैंने उस पर YT टिप्स अनबॉक्सिंग रिलेटेड यानी कि टैग रिलेटेड चैनल मैंने बना करके तैयार किया। टैग रिलेटेड चैनल जब मैंने बना करके तैयार किया उस पर सारा टैग से रिलेटेड मैंने वीडियोज़ बनाना शुरू किया। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने लगभग 200 वीडियो मेरे थे उस चैनल पर, लगभग 200 वीडियो उस चैनल पर थे। और उसके बाद 25,000 लगभग सब्सक्राइबर मैंने कंप्लीट कर लिया था, मेरी फर्स्ट पेमेंट भी आ चुकी थी। भाई ने सारा मोटिवेशन दिया, सारा कुछ किया मेरे चैनल का, यहाँ तक कि उसने सारा कुछ SEO भी किस तरह से किया जाता सब कुछ मुझे बताया, मुझे कुछ भी नहीं आता था। उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत सीखा भाई से, उसके बाद बनाना शुरू किया। उसके बाद क्या हुआ, YouTube ने मेरे साथ क्या किया, मैंने एक वीडियो बनाया कि आप लोग किस तरह से फ्री में लाइव क्रिकेट देख सकते हैं, फ्री में एक एप्लीकेशन का रिव्यू किया। उसमें क्या हुआ कि मेरा चैनल पर स्ट्राइक आ गया YouTube की तरफ से। स्ट्राइक आने के बाद क्या हुआ कि फिर उसके बाद मैंने एक और वीडियो बनाया, यहाँ तक कि 3 महीने में 3 वीडियो पर लगातार स्ट्राइक आ गया। स्ट्राइक के बारे में मुझे सही से जानकारी भी नहीं था। फिर मैंने भाई के पास आया तो भाई ने बोले कि ये सही एकदम स्ट्राइक पड़ा है आपके चैनल पर, आपका ये स्ट्राइक नहीं हटेगा और 7 दिनों के बाद आपका चैनल टर्मिनेट हो जाएगा। यहाँ तक कि मेरा अमन हेल्प मी चैनल भी टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट होने के बाद मैंने फिर से 20 दिन तक रोया बैठ करके घर में, यहाँ तक कि पैसा जो भी कमा रहा था थोड़ा बहुत वो भी चले गया। उसके बाद क्या हुआ कि अब वीडियो बनाने का मन तक नहीं कर रहा था, फिर से मैं भाई के पास आया। यहाँ तक कि ये जो है मेरा तीसरा बार आ चुका हूँ मैं 60 किलोमीटर ट्रैवल करना, यहाँ तक कि पैसे भी खर्चे होते हैं, आप लोग जानते हैं कि ऐसे कोई नहीं चले जाता कहीं पर। इतना स्ट्रगल करने के बाद भी YouTube मुझे क्या दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा है। फिर से मैंने भाई के पास जब आया तो ये बोले कि फिर से एक चैनल बनाओ। फिर से मैंने एक चैनल बनाया है जो कि अभी है आप लोगों के सामने, उसका नाम है अम्मो की टैग। अम्मो की टैग पर से मैंने वीडियोस बनाना शुरू किए हैं, यहाँ तक कि मैंने 8-9 वीडियो अभी तक अपलोड कर दिए हैं। शायद ये वीडियो आप देखिएगा तो शायद उसमें 10 वीडियो हो जाए, लेकिन मैंने अभी स्ट्रगल कर रहे हैं
और व्यूज लाने की कोशिश कर रहे हैं, सब्सक्राइबर लाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ तक कि सोच रहा हूँ कि आप लोग मदद कीजिएगा। इसीलिए मैं भाई के पास आया और भाई बोले कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मेरी ऑडियंस मदद करेगी तुम्हारी। तुम करना क्या चाहते हो, यूट्यूब पर आगे बढ़ना चाहते हो, हम बढ़ाएंगे। यहाँ तक कि मेरा हौसला बढ़ाया, पूरा मोटिवेशन दिए भाई मुझे, यहाँ तक कि अब मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ कि कैसे मैं बोल रहा हूँ। यूट्यूब ने मुझे क्या दिया, यहाँ तक कि चैनल डिलीट कर दिया, पहले मूवी से रिलेटेड, उसके बाद मेरा टेक चैनल डिलीट हो गया, उसके बाद मैंने फिर एक टेक चैनल बनाया जिस पर अभी धीरे धीरे टूट फूट करके खड़ा हूँ। मैं पूरा टूट फूट गया था, टूट फूटने के बाद भाई ने मुझे क्या बोलता है सब सहारा दिया, अब मन नहीं करता वीडियो बनाने का। अरे मत रो, मैं आपके साथ हूँ, बस आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज भाई को सपोर्ट जरूर करना, भाई बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। इनकी कहानी जब मैंने स्टार्टिंग से सुना, हालांकि ये सही से नहीं बता पा रहे हैं अभी, लेकिन मुझे पता है कि इन्होंने स्ट्रगल किस तरह से किया है। इनका आप सपोर्ट जरूर कीजिएगा और आगे सुनिए कि इनके साथ क्या क्या हुआ। बस भाई से ही बोलूंगा कि आप रोइए मत, आपके साथ मैं हमेशा खड़ा हूँ, आपके जैसे हर एक क्रिएटर के साथ मैं हमेशा खड़ा हूँ जो कि स्ट्रगल कर रहा है। तो प्लीज़ सपोर्ट जरूर कीजिएगा भाई को। बताइए अपने बारे में, और अगर आप लोग मेरे बारे में जानना चाहते हैं कि मैं एक गांव से बिलोंग करता हूं, उसके बाद मेरे पापा ऑटो चलाते हैं। आप लोगों को अगर विश्वास नहीं हो रहा तो मेरे चैनल पर जाइए, वहां पर आप लोगों को एक व्लॉग चैनल मिलेगा। मैंने सारा चीज़ का व्लॉग बना करके रखा है कि मैं कहां पर सोता हूं, कहां पर रहता हूं, क्या खाता हूं, कहाँ पानी पीता हूँ, यहाँ तक कि सारा चीज़ बता करके रखा है, किस तरह से वीडियो शूट करता हूँ, सारा चीज़ आप लोग जा करके देख सकते हैं मेरे व्लॉग चैनल पर। अगर आप लोगों को ये सच नहीं लग रहा है कि मैं किस तरह का फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरा घर किस तरह का है, सब कुछ देख सकते हैं जाकर। बस आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है कि आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और थोड़ा सा भाई को आगे बढ़ाने का कोशिश कीजिए। हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ आप लोगों से। मैं पूरा डीमोटिवेट हो चुका हूं और आप लोग सहारा हैं, आप लोग देखते हैं कितना प्यार दे सकते हैं और जाकर के मेरे चैनल पर वीडियोस को भी देख सकते हैं कि किस तरह का चैनल है। आपके लिए हेल्पफुल वीडियो बनाता हूं पूरा, एक बार जरूर देखिएगा। तो दोस्तों सब कुछ आपको बता दिया भाई ने, बस आप लोगों से बस यही बोलूँगा जिस तरह से आप हमारी सपोर्ट कर रहे हो, हमें सपोर्ट कर रहे हो, भाई को भी सपोर्ट जरूर कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया है, भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है, आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं, आप अपनी कहानी हमें सेंड कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं टेक्नो प्रीतम, सर्च कीजिएगा, 10,500 फॉलोवर्स है हमारा, वहाँ पर फॉलो करके एक मैंसन कर दीजिएगा। आपके हेल्प के लिए हम तत्पर हैं, आपका हेल्प हम जरूर करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, किसी ने इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।